तुम्हें हीरे की सिफत हो तो अंधेरे में मिलो, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक सकते हैं। दोस्तों, इनर पीस एंड स्टिलनेस मेडिटेशन में आपका स्वागत है। आज का प्रयोग अत्यंत ही शक्तिशाली प्रयोग है, क्योंकि ये आपको आपकी असीम ऊर्जा और अथाह शक्तियों के साथ मिलवाएगा। किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आपको अगले 30 मिनट कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप चाहें तो आराम कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, या आप चाहें तो जमीन पर पालथी मारकर भी बैठ सकते हैं। जहां तक संभव हो, अपनी रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को सीधा रखें। मित्रों, चाहे हमारा मन कितना भी अशांत हो, जीवन में चाहे कितनी ही परेशानियां हों, लेकिन हमारे अंदर वो शक्ति हमेशा मौजूद है जिससे हम जीवन बदल सकते हैं, और वो है हमारे अंदर मौजूद शांति का सरोवर या ठहराव। और इसी अद्भुत शक्तिशाली और यूनिक पावर के साथ जुड़ना इस ध्यान का उद्देश्य है। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें और आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। कृपया ध्यान में कोई शीघ्रता ना करें, मेरे शब्दों को भी सुने और शब्दों के बीच में जो अंतराल है, जो साइलेंस है, उसको भी सुने। एक और गहरी सांस अंदर और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हुए धीरे से बाहर छोड़ें। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है, पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। देखें आपके शरीर के किस हिस्से में अभी भी तनाव मौजूद है। उस हिस्से को महसूस करें। एक और गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर। शरीर का रेशा रेशा ढीला पड़ रहा है और आपका मन शांत और अधिक शांत होता जा रहा है। अपने मन को शांत होने के लिए समय दें। हमने हमेशा से अपने शरीर को और अपने मन को अशांत करने की प्रैक्टिस की है, और इसके कारण तनाव, चिंता, परेशानियां ये हमारे दोस्त बन चुके हैं।
परंतु हमारे मन का सच्चा स्वरूप शांत रहना है। अब अपने शरीर को एक दृष्टा की भांति देखना शुरू करें। सिर, आंखें, चेहरा, गर्दन, जब तक आपकी एकाग्रता नहीं बनेगी तब तक आप अपने मन के दृष्टा नहीं बन पाएंगे और ध्यान नहीं कर पाएंगे। इसलिए यह परम आवश्यक है कि आप अपनी एकाग्रता को विकसित करें। दोनों कंधे, दोनों हाथ, वहां क्या संवेदनाएं हैं इसको महसूस करने की कोशिश करें। छाती, पीठ का हिस्सा और दोनों पैर। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जो ही आप अपने शरीर की संवेदनाओं को देखते हैं, ये संवेदनाएं अपने आप शिथिल होने लगती हैं, शांत होने लगती हैं। अब अपनी सांसों को देखना शुरू करें। एक दृष्टा की भांति अपनी सांसों की जानकारी लें। साधारण सांस, क्या आपकी सांस लंबी है या छोटी है? क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि अंदर आने वाली सांस थोड़ी ठंडी है और बाहर जाने वाली हवा थोड़ी गर्म है? अपनी सांस के एक एक मिलीमीटर के मूवमेंट को महसूस करने की कोशिश करें। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है और पूरा मन एकदम शांत हो रहा है। आपका शरीर स्थिर हो रहा है। बस अपने सांसों को देखते रहें थोड़ी देर और। हम सब के अंदर अकूत संपदा छुपी पड़ी है। हमारे अंदर एक आनंद का सरोवर है और एक प्रेम का झरना है, परंतु अफसोस, हम फिर भी दुखी रहते हैं, चिंतित रहते हैं, बीमार रहते हैं, क्योंकि हमने अपने अंदर शांति के उस झरने में कभी गोता लगाने की कोशिश नहीं की। आज ये वक्त है।
मन धीरे धीरे शांत होने लगा है और अपने अंदर मौजूद शांति को अब देखना शुरू करें। इस बात के दृष्टा बन जाएं कि आपके विचार धीरे धीरे शांत होने लगे हैं। जो जो आप अपने अंदर उठ रही शांति की तरंगों को अनुभव करेंगे, आपके लिए शांत होना स्वाभाविक हो जाएगा। महसूस करें कैसे आपका शरीर स्थिर हो रहा है, कैसे आपके शरीर की मांसपेशियां ढीली पड़ रही हैं, ये भी शांत होने का एक लक्षण है। एक बार फिर से अपने मन को वापस सांस पर लगाएं और फिर से सांसों के दृष्टा बन जाएं। अगर कोई विचार आए तो उसको देखते रहें, अगर कोई संवेदना आए अच्छी या बुरी, एक दृष्टा भाव से उसको भी देखते रहें। अब मेरे साथ दो बार ओंकार का उच्चारण करेंगे और ये आपके मन को और अधिक शांत करेगा। एक गहरी सांस अंदर लें, इन ओ बार, एक गहरी सांस अंदर ओ, महसूस करें ओमकार की ये तरंगें, ये लहरें आपके पूरे शरीर को ऊर्जावान कर रही है, जागृत कर रही है। इस वाइब्रेशन को, इस स्पंदन को अपने शरीर के एक एक कण कण में महसूस करना शुरू करें। आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि अब विचारों की ये रेस, ये घुड़दौड़ स्नेह स्नेह शांत होने लगी है। विचारों का ये शोर, ये कोलाहल
धीरे धीरे रुकने लगा है। आपका मन धीरे धीरे स्थिर हो चला है। अपने अंदर मौजूद इस शांति को महसूस करें और ये जाने कि यही आपका सच्चा स्वरूप है। एक और गहरी सांस अंदर लेंगे ओंकार के उच्चारण के लिए। गहरी सांस अंदर ओ महसूस करें कि आपके पूरे अंतर्मन में ओंकार का ये स्पंदन गूंज रहा है और इसके साथ साथ अनावश्यक विचार, बेकार की भावनाएं और अवांछित तनाव अपने आप गलने लगे हैं, गायब होने लगे हैं। एक बार फिर से दृष्टा बन जाएं अपनी सांसों के। क्या आपकी सांसों की गति धीमी हो चुकी है? क्या आपकी सांस गहरी हो चुकी है? जो भी है, जैसा भी है, उसको बदलने की चेष्टा ना करें, उसको वैसा ही स्वीकार करें। एक और गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर शिथिल हो चुका है। महसूस करें जो जो आप अपने शरीर की स्थिरता स्टिलनेस को महसूस करेंगे, आपका मन और ज्यादा शांत होता चला जाएगा। और ज्यों ज्यों आपका मन शांत होगा, आपका शरीर और अधिक स्थिर हो जाएगा। जब मन विचारों की घुड़दौड़ से हटकर शांति में स्थिर होता है तो समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाता है, बीमारियां ठीक होने लगती हैं, ऐश्वर्य और धन स्वतः ही हमारे जीवन में चला आता है और जीवन खुशियों से भर जाता है। मन हजार कारण देगा ध्यान ना करने के, परंतु आपको टिके रहना है। अगर शुरुआत की है तो समाप्त भी करना है।
अपनी सांसों को देखें और अपने शरीर के अंदर जो स्थिरता है उसके साक्षी बन जाएं। आपके शरीर के अंदर, आपके मन मस्तिष्क के अंदर जो ठहराव है उस ठहराव को देखने की, जानने की कोशिश करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है और मन शांत हो रहा है। सांसों को देखते रहें एक दृष्टा की तरह और उसके साथ साथ अपने अंदर इस ठहराव को महसूस करते रहें, देखते रहें। अगर कोई विचार मन में आता है तो उसे भी एक दृष्टा की तरह देखें और जाने दें। ध्यान रहे, कोई भी विचार आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक कि आप उसमें इन्वॉल्व ना हो जाएं, उससे जुड़ ना जाएं। चाहे समंदर में कितनी भी लहरें उठें, परंतु गहराई में पानी बिल्कुल शांत होता है, उसी तरह आपके मन में हजारों उमंगें उठ सकती हैं, हजारों विचार आ सकते हैं, परंतु इसके बावजूद आपके मन की गहराई में एक ठहराव है, एक शांति है और आपको इसी की तलाश है। अपने शरीर के अंदर उठ रहे इस ठहराव को, विकसित हो रहे इस शांति को महसूस करते रहे और साथ साथ सांसों को भी एक दृष्टा भाव से देखते रहे। शांत होना आपका स्वभाव है। हर अंदर आने वाली सांस आपके चित्त को और स्थिर कर रही है और हर बाहर जाने वाली सांस अनावश्यक तनाव को बाहर ले जा रही है। विचार आए तो आने दें, उसे रोकने का कोई प्रयास नहीं करना, कोई कोशिश नहीं करनी, बस अपने मन को शांत हो जाने दें, पूरी तरह से शांत। जन्मों जन्मों के बाद
कोई संयोग आता है कि कोई योगी या इंसान अपने अंदर जाना चाहता है, और अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो अब पीछे ना जाएं, अब इस मौके को ना चूकें। लगातार सांसों के साथ बने रहें और अपने शरीर में, अपने हृदय में मौजूद स्टिलनेस को, शांति को, ठहराव को देखते रहें। अगर शरीर में कोई संवेदना उठती है तो उसको भी देखें, ये अच्छी हो या संवेदनाएं बुरी हो, कष्टदायी हो, उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं करनी। बस एक दृष्टा भाव की तरह उनको भी देखना है। जो जो आपका मन शांत हो रहा है, जो जो आपके हृदय में ठहराव और अधिक विकसित हो रहा है, आपकी शक्तियां, आपका सामर्थ्य, आपकी हीलिंग पोटेंशियल, हर चीज बढ़ती जा रही है। और एक बार पुनः ये स्मरण करते हुए कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे अंदर हैं और मैं जब चाहूं इन्हें जगा सकता हूं, ये इसलिए प्रकट नहीं होती क्योंकि मेरे मन में शांति का भाव है। आप ये प्रण लें कि हर दिन आप इस इनर पीस और स्टिलनेस मेडिटेशन को जरूर करेंगे। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें, आसपास मौजूद इस सन्नाटे को अनुभव करें। कृपया कोई शीघ्रता ना करें, आपने बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया है। दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखें और जब मैं एक से पांच गिनूंगा तो धीरे से अपनी आंखें खोल देना। एक, दो, तीन, चार और पांच। महसूस करें कि आपका मन कितना शांत है, आपने क्या अनुभव किया, यह लिखकर जरूर बताएं। आपका ये छोटा सा प्रयास बहुत सारे लोगों को
हिम्मत देगा, मजबूती देगा। धन्यवाद।